टीकमगढ़ शहर में आज रेडीमेड एवं कपड़ा व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी दुकानें बंद कर गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया है कि समस्त देशवासी व्यापारी कोरोना काल में भीषण विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। व्यापार धंधे चौपट हैं और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। व्यापारी वर्ग काफी परेशान और तंग हाली से गुजर रहा है। ऐसे में कपड़ा व्यापार पर GST 5% से बढ़ाकर 12% करने का भारत सरकार का फैसला अनुचित है। ऐसा फैसला व्यापारी जनता व देश हित में नहीं है। अतः सरकार और वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस फैसले को वापस लेते हुए GST का भी सरलीकरण करें, जिससे देश जनता और व्यापारियों का हित हो सके। इसमें काफ़ी संख्या में रेडीमेड कपड़ा व्यापारी शामिल रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। ₹135 करोड़ की जनसंख्या व्यस्त, कम से कम 70-80 करोड़ हो गए। पूछ लो अगर 30% लोग भी ये कह दे कि नहीं 12% है कपड़ा और जूता चप्पल पे, हम सब व्यापारी शहर की बात मान जाएंगे, शहर की बात मान जाएंगे। आज हमारे टीकमगढ़ छोटा सा शहर है, हमारी यूनियन है, लेकिन आज मध्य प्रदेश के हर शहर की यूनियन से हम लोग संपर्क में है। दिल्ली कपड़ा एसोसिएशन का भी कल फोन आया था, उनसे भी बात हुई थी। हर शहर के व्यापार प्रदेश राजकारणी में हूँ। इस जो आंदोलन चल रहा है इसमें चेक संगठन का पूरा समर्थन है, तथा 70 साल में कांग्रेस ने कपड़ा और जूतों पर 1% टैक्स लगाया था। इन्होंने 7 साल में पहले 5% लगाया, अब 5% से 12% कर दिया। ये कहाँ तक उचित है कि जनता के ऊपर इतनी मार पड़ रही है कि जनता वैसा ही खाने को नहीं है। इसके बाद अगर 12% आप कपड़े पे भी लेंगे तो क्या करेगी जनता। इसी तरह डीजल पेट्रोल पर GST के अंतर्गत नहीं लाया, जिसके कारण भी जनता पर मार पड़ रही है। इसलिए जब तक ये कपड़े का 5% ही नहीं करेंगे, तब तक पूरा व्यापार इसी तरह से आंदोलन करेंगे व्यापारी, और कैट संगठन का पूरा समर्थन रहेगा। धन्यवाद। घटित यह है कि भारत सरकार ने जो कपड़े पर जूतों पर 5% GST लगता था, उसको बढ़ा करके 1 जनवरी से 12% करने जा रही है। ये सब लोगों को विदित है कि व्यापारी कितना 2 साल से घटा हुआ है, उनका व्यापार चौपट हो गया है, और जो कि GST के कारण हमको वकीलों को CA के चक्कर लगाने पड़ते हैं, काफ़ी इसमें खर्चा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने 12% कर लिया, तो हम 75% लोगों का व्यापार तो समाप्त ही हो जाएगा। क्योंकि व्यापार करने के 2 उद्देश्य होते हैं, एक अपना पहले परिवार का जीवन यापन करो, उसके बाद फिर व्यापार में अपनी पूंजी लगाओ, दुकान किराए दो, आदि सब करने के बाद टैक्स देना पड़ता है। इसके पहले तक कपड़ा जो है 90% आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में गिना जाता था, जिस पर टैक्स फ्री भारत सरकार ने किया था, और अभी भी उन्होंने 1% GST लगने के पहले 1% भी टैक्स लगाया जाता था, जो कि क्रांति सरकार लेती थी। अरुण जेटली ने लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा GST टैक्स कलेक्शन 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर होता है, तो हम धीरे धीरे टैक्स की दरें कम करते जाएंगे। उस समय व्यापारियों ने विरोध किया था, लेकिन GST के अंतर्गत स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बात मान करके हम लोगों ने ये तैयार हो रहा था कि ठीक है, यदि 1,00,000 से ऊपर GST कलेक्शन आता है तो कपड़े पर, जूतों पर और सभी वस्तुओं पर GST कम किया जा सकता है। इसी में उन्होंने पेट्रोल डीजल का भी नाम लिया था, उसमें भी टैक्स GST के दायरे में आएगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि 5% से सीधा 12% कर दिया गया है, उसके बावजूद भी हम लोग असहमत हैं कि इतना अधिक टैक्स, जो कि 75% गरीब जनता कपड़े का जूते का उपयोग करती है, उनके लिए टैक्स लेना निश्चित रूप से अपरिहार्य होगा। और हम तो लोग तो व्यापारी हैं, हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हम ईमानदारी से कर अदा करें, ईमानदारी से टैक्स लें। सरकार को टैक्स लेने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जिसमें आटे में नमक के बराबर, यदि नमक में आटे के बराबर टैक्स लेना पड़ेगा तो ये जनता दुखी होगी, और उसके बाद हम लोग निश्चित रूप से आगे जाकर के हड़ताल की स्थिति में आएंगे, अपना व्यापार बंद करेंगे, क्योंकि इतना अधिक टैक्स देने की स्थिति में हम सामान्य उपभोक्ता से इतना अधिक टैक्स नहीं ले सकते हैं और न अपने व्यापार को धीरे कर सकते हैं। व्यापार धीरे धीरे निम्न गति की वो चला जाएगा और अंत में एक दिन ही आएगा तो हम लोग सब कर्ज में डूब जाएंगे और घाटे में व्यापार चलता रहेगा, और इसे सरकार को सोचते रहेंगे।
ही हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी से प्रार्थना करते हैं कि यदि टैक्स आप बढ़ा नहीं घटा नहीं सकती हो तो कम से कम बढ़ाओ नहीं, उसको इस पर रखो जिससे कि हम व्यापारियों का व्यापार एवं परिवार का भरण पोषण उपयुक्त रूप से कर सकें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।